हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल क्रिएटिव रीना आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक डिज़ाइन आपके लिए लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन जो है आप एलईडी टीवी के लिए बोला था कि कवर बताइए, तो इस तरह से आप बना के यूज कर सकते हैं। ये चौकोर वाला डिज़ाइन है, ये कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर और माइक्रोवेन, तो आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। खाली इसका जो चेन है, चेन को बढ़ा दीजिएगा, उसके ऊपर आपका डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएंगे। और इस तरह से मैं आउटलाइन बना के आपको बताया है। ये अगर आप नहीं बना सकते तो इस ऐसे डिजाइन को बना के भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे चेन बना के इसमें ऊन काट के भी यूज कर सकते हैं। बहुत तरीके से आप इसको यूज कर सकते, बना के रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये जो ऊन है, मैं हमेशा 4-ply ऊन यूज करती हूँ। 4-ply क्या है, 3-ply भी आते हैं, 4-ply आते हैं, 2-ply जो है वो एकदम बारीक होता है, और ये जो 4-ply है, ये 4-ply में भी बारीक और मोटा आते हैं। बारीक गुल जो है वो भी ऐसे उनको खोलिएगा तो उसमें भी 4-ply दिखते हैं। तो आप दुकान में जब जाएंगे तो मीडियम उल दिखिएगा, नहीं तो एकदम बारीक, नहीं तो बिल्कुल ज़्यादा मोटा। ये सिंपल सा एकदम मीडियम जो ऊन है वो अच्छा बनता है, जो बारीक ऊन है उसमें डिजाइन अच्छा नहीं होता और टिकाऊ नहीं होता वो। ये जो ऊन है इसमें आप बनाओगे तो ये बहुत दिन, सालों साल तक ये उनका चीज़ आप यूज कर सकते हैं, ख़राब नहीं होता। तो मुझे बोला था कि आप ऊन नहीं बताते कितना प्लाई है, तो मैं हमेशा 4-ply ऊन का ही इस्तेमाल करती हूँ, 2-ply बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी ये 4-ply में से थोड़ा बारीक ऊन आ जाता है, तो मैं बता देती हूँ कि मेरा ये बारीक ऊन है। तो निकिल मैं ज़्यादातर ये 4-ply ऊन यूज़ करते, थोड़ा सा मोटा, ज़्यादा मोटा नहीं है। तो और मेरा क्रूशिया है वही मेरा 9 नंबर है और 0.85 mm, ये मेरा एक ही क्रूशिया है, इसी में मैं बनाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरे वीडियो अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, पहले हम चेन बना लिया है, यहाँ पे हम चेन 50 चेन लिया है, फिर यहाँ पे 1, 2, 3 चेन लेंगे। ये जो चेन है इसके अंदर हम 1 double crochet बनाएंगे, फिर ये चेन है, इस तरह से हर एक चेन के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे 1 double crochet। ऐसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हम कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से 2 लाइन हम कंप्लीट कर लिया है। ठीक, इसके बाद देखिए ये जो यहाँ पे हम येलो कलर का धागा चेंज करेंगे, इस तरह से यहाँ पे हम 1, 2, 3 चेन, और देखिए ये वाला जो चेन है फर्स्ट वाला, इस चेन के अंदर एक, फिर 1 चेन, फिर 2 double crochet, मतलब यहाँ पे 4 double crochet बना के लेना है। फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए 1, 2, 3, 4, ये वाला हम 1 double crochet, 1, 2, 3, 4 छोड़ के यहाँ पे बना लेंगे। टू डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 double crochet। फिर हम 1, 2, 3, 4 छोड़ के फिर यहाँ पे बनाएंगे,
टू डबल क्रोशिया, वन चेन टू डबल क्रोशिया। फिर हम वन टू थ्री फोर छोड़ के फिर यहाँ पे बना लेंगे। वन चेन डबल क्रोशिया, फिर हम वन टू थ्री फोर छोड़ के इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे फोर छोड़ के यहाँ पे वन था, यहाँ पे हम बना लिया है। इसके बाद फिर से एक राउंड हम बनाएंगे, टू चेन ले लिया है और ये बीच में हम आ जाएंगे। टू चेन ही एक चेन लेने के बाद वन चेन लेंगे, इसके बीच में धागा को ले लेंगे। फिर यहाँ पे फिर से फोर डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री बना लिया है, इसके बाद टू, फिर वन चेन, फिर टू। दो राउंड हम इस तरह से और एक राउंड बना लेंगे, यहाँ पे कोई चेन नहीं लेंगे इस तरह से। टू डबल क्रोशिया, वन चेन, टू डबल क्रोशिया। कंप्लीट कर लेंगे और एक लाइन। तो देखिए इसको इस तरह से हम कंप्लीट कर लिया है दो राउंड। उसके बाद हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे फिर से, जो कलर है इसको हम ले लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम वन चेन ले लेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे, जो बीच में धागा को ले लेंगे। फिर यहाँ पे वन टू थ्री चेन लेंगे और यहाँ पे टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। टू डबल क्रोशिया, वन चेन, टू डबल क्रोशिया। फोर डबल क्रोशिया हो गया है। उसके बाद हम देखिए दो का एक साथ इस तरह से हम पीछे से क्रोशिया डाल के धागा को इस तरह से खींच लेंगे थोड़ा सा। एक बार हम ले लिया और फिर दो टाइम हम घुमा लिया है और इस तरह से। फिर हम यहाँ पे ये जो है फोर डबल क्रोशिया, यहाँ पे फोर डबल क्रोशिया बना लेंगे। पहले हम टू बना लेंगे, इसके बाद वन चेन, फिर टू। फिर हम जो है इसके पीछे से धागा को इस तरह से लेंगे, दो बार हम इसको घुमा लेंगे, फिर ऐसे बांध लेंगे इस तरह से। फिर अगले वाले में फोर डबल क्रोशिया, पहले टू डबल क्रोशिया, वन चेन, टू डबल क्रोशिया। फिर हम इस तरह से पीछे से ऐसे धागा को खींच लेंगे, फिर दो बार खींच लेंगे, दो टाइम इसको इस तरह से खींच लेंगे। फिर हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे इस राउंड को। थोड़ा सा इसको लूजी
लूज इसको धागा को खींचिएगा इस तरह से। देखिए ऐसे इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम पीला कलर का ज्वाइन करने के बाद देखिए ये हम 3 राउंड कंप्लीट किया है, 1 2 3। इसमें हम ज्वाइन किया और उसके ऊपर 2 लाइन हम बना के कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये हमारा राइट साइड है, सीधी तरफ है। यहाँ पे हम 1 2 3 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर ये दोनों को एक साथ ब्लू कलर के 2 बार हम बना लिए। आप चाहे तो इसको 3 बार भी, इसको अगर मोटा बनाना चाहते हैं तो 3 बार भी बना सकते हैं। उसके बाद अगले वाले में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। दोनों को एक साथ 2। टू डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। फिर से दोनों को 1 2, फिर एक साथ इस तरह से ले लेंगे। देखिए 2 धागा, 2 को हम एक कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे 1 2, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। फिर से दोनों को पकड़ के एक साथ 2 बार धागा हम इस तरह से ले लेंगे और ये दोनों का इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड को इस तरह से कंप्लीट करने के बाद और 2 राउंड हम पीला कलर का बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये येलो कलर 3 राउंड हम बना लिया है। देखिए यहाँ पे इस तरह से धागा को आपको काटना है, येलो कलर भी इस तरह से धागा को हम काट लेंगे और फिर से हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे इस कलर में, ब्लू कलर। ठीक है, तो डिजाइन इसी तरह से बनाते हुए आप बना लीजिएगा, जितना आपका चाहिए, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हो उतना आप बना लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए 2 डबल क्रोशिया पहले बना लिया, उसके बाद 1 चेन लिया और फिर 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, और यहाँ से धागा को खींच लेंगे। फिर अगले वाले यहाँ पे टू, फिर 1 चेन, फिर 2। फिर अगले वाले ये 2 चेन को पकड़ के इस तरह से 1 टाइम 2 टाइम तरह से, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ऐसे इस तरह से इस राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। 2 बार हम घुमा लिया है। फिर अगले वाले में देखिए इस तरह से
हम ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैं कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से आपको जितना लंबाई चाहिए आप उतना कंप्लीट करने के बाद इसमें फिनिशिंग किस तरह से करना है ये आपको बता देंगे। ओके, आप कैसे भी कलर, आप चाहे दो कलर के यूज कर सकते हैं, थ्री कलर यूज कर सकते हैं। पहले हम देखिए ये जो चेन है, फर्स्ट का जो चेन है यहाँ पे हम थ्री चेन लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे जितना हमारा चेन है इस तरह से हर एक चेन के अंदर हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। अगले वाले जो चेन है यहाँ पे बनाएंगे। फिर ये जो गैप है, एक चेन लिया था यहाँ पे भी बना लेंगे, फिर से यहाँ पे बना लेंगे। मतलब हमारे यहाँ पे जितना चेन है उस चेन को हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। कि आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं और जो मैं बता रही हूँ इस तरीके से बना के भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम पूरा बना कंप्लीट कर लेंगे। जितना हमें यहाँ पे चेन है उस चेन में हमें बना के कंप्लीट कर लेना है ऐसे। देखिए यहाँ पे हम दो बना लिया है। ये जो चेन है इस चेन के अंदर हम वन टू थ्री बना लिया है। फिर यहाँ पे हम टू चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे हम थ्री बना लेंगे, टू थ्री। इस तरह से कोना बन गया है। और ये अगले वाले जो यहाँ पे हम थ्री बना लेंगे। फिर यहाँ पे थ्री बनाएंगे। जितना ये जो है सब में थ्री थ्री कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ऐसे यहाँ तक थ्री थ्री हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। हम देखिए यहाँ पे ये जो चेन आ गया है यहाँ पे हम दो बना लिया और ये जो चेन है यहाँ पे थ्री बना लिया है। इस तरह से बनाया है कोना, इस तरह से थ्री बना लिया। फिर दो चेन ले लेंगे और फिर से यहीं पे उसी पे हम थ्री बना लेंगे, वन टू थ्री। किस तरह से फिर हम यहाँ पे देखिए एक एक चेन है, इस चेन के अंदर से हम कंप्लीट कर लेंगे। जितना चेन है हम इस चेन के अंदर से ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हम इस तरह से पूरा राउंड को हम घुमा लिया है। चाहे तो आप ये जो येलो कलर और एक बार घुमा लीजिएगा तो ये आपका कंप्लीट हो जाएंगे।
बन के रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इतना ही मैं बना के आपको दिखा दिया, आगे आपको जितना चाहिए आप बना लीजिएगा। तो थैंक यू।